आज एचएसईबी वर्कर्स यूनियन ने हरियाणा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल की और रोष प्रदर्शन किया। रोष प्रदर्शन की अध्यक्षता सर्कल सचिव तेजवीर मान ने की। मंच का संचालन हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्रधान महावीर सहरावत ने किया। इस मौके पर बोलते हुए महावीर सहरावत ने कहा कि हरियाणा सरकार रोडवेज कर्मचारियों की जो गिरफ्तारियां कर रही है, इससे आंदोलन और अधिक बढ़ेगा। इससे सरकार की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। सरकार परिस्थितियों का मूल्यांकन करने में चूक गई है। अब कर्मचारियों का आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। अध्यक्ष तेजवीर मान ने कहा कि अब भी समय है सरकार रोडवेज की तालमेल कमेटी को बुलाकर उनकी एकमात्र मांग 720 प्राइवेट बसों के परमिट रद्द करने को मानकर हरियाणा की जनता को राहत प्रदान करे। हरियाणा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर एचएसईबी वर्कर यूनियन ऑफिस भिवानी लगातार आज आठवें दिन पर हड़ताल पर बैठे हैं पानीपत सर्कल के अंदर, क्योंकि हरियाणा सरकार ने ये रोडवेज की जो हड़ताल थी 720 बसों को लेकर के उसको दमनकारी नीति अपनाई हुई है। उसके समर्थन में हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल रखी हुई है और ये हड़ताल जब तक जारी रहेगी जब तक हरियाणा सरकार रोडवेज की 720 बस प्राइवेट बसों का निजीकरण और ठेका प्रथा बंद नहीं करती, जब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। जैसे कि सिविल हॉस्पिटल में भी आपके हड़ताल पे बैठे हुए हैं, आपके अभी तक कुछ मांगे नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं सिविल हॉस्पिटल में जो रोडवेज के साथी बैठे हैं, क्योंकि ये प्रशासन इतनी घिनौनी हरकत पर उतरा हुआ है, क्योंकि उन बैठने साथियों को बैठने के लिए जगह भी नहीं देता है। हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने प्रशासन से भी बात की थी कि भाई इन साथियों को बैठने का रास्ता दिया जाए, क्योंकि कोर्ट ने भी 100 मीटर के दायरे के अंदर नोटिस दिया था, वो भी हमने सरकार को दिखाया, लेकिन सरकार कहती कि भाई नहीं, भाई रोडवेज के साथियों के बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, जबकि पूरे प्रदेश में यहाँ का जो प्रशासन है वो अपने घटिया उच्च हथकंडों पर आया हुआ है, क्योंकि यहाँ का परिवहन मंत्री है वो अपनी चलाए हुए है पूरे प्रदेश में। वहाँ रोडवेज के सभी डिपो पर बाहर बैठ करके प्रदर्शन किया जा रहा है। कितने दिन पे हड़ताल पे बैठोगे आप? एचएससीबी वर्कर यूनियन ऑफिस भिवानी संबंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ आज आठवां दिन है लगातार जो हड़ताल पर बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मैं महावीर सहरावत, जिला प्रधान हरियाणा कर्मचारी महासंघ। जो ये प्रदर्शन हरियाणा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर 22 तारीख से लगातार पूरे हरियाणा में चल रहा है, ये जो रोडवेज के कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ है, नजायज मुकदमे दर्ज किए हैं, एस्मा लगाई है, जेलों में बंद हैं, उनका मात्र एक ही लक्ष्य था भाई रोडवेज को प्राइवेट हाथों में ना दें और अपनी बस खरीद के अपने ड्राइवर कंडक्टर लगाएं, उससे रोडवेज कभी घाटे में नहीं है। आज ये सरकार का रही है घाटे में है और ये प्राइवेट की ओर सारे डिपार्टमेंटों को बेचने की तरफ चल रही है। हरियाणा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर जो आठवां दिन है आज हमारे स्टेट के प्रधान यहाँ पहुँचेंगे, आज कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। जब तक ये 720 परमिट रद्द नहीं किए जाएंगे, हरियाणा कर्मचारी महासंघ रोडवेज के साथियों का कंधे से कंधा मिला के साथ देगा और अनिश्चित काल हड़ताल पर रहेंगे। और आज हमारे डीए के साथी भी यहाँ आए थे, उनसे भी हमें अपील की है और दूसरे संगठनों के साथी भी यहाँ आए थे आज, उनसे भी हमें अपील की है। आज कर्मचारी के मान सम्मान की लड़ाई है, कर्मचारी कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाने की बात करता, कोई डीए की बात नहीं करता, आज सिर्फ एक ही बात है भाई महकमे ना बेचे जाएँ, इसमें परमानेंट भर्ती की जाए और हमारे नए आने वाले बच्चों को रोजगार मिलेगा और जब खाली पदों को भरा जाएगा। और जैसे ये प्राइवेट बसों में कोई पास अलाउड नहीं है, बच्चे दुखी हैं, आज सरकारी बसों में बच्चे फ्री सफ़र करते हैं, फ्री सेवा करती है सरकार और फिर भी हमारा रोडवेज प्रॉफिट में है, ये प्राइवेट कोई फ्री नहीं चलाएगा और पब्लिक बड़े दुखी है। और मैं तो हरियाणा सरकार से अपील करता हूँ हमारे रोडवेज के नेताओं को बुला के बात करे, नहीं आज हमारा एजिटेशन पता नहीं किस रूप में जाएगा। हमारे स्टेट प्रधान हमारा जो प्रधान अभी आएगा वो आगे का फैसला देगा और जो रोडवेज की 720 बसें हैं वो किसी आम वर्कर की या कर्मचारी की नहीं है, ये सरकार के कुछ चहेते एक ही दो कंपनी है जिन्होंने 720 बसों का बीड़ा यहाँ बेड़े में लेके आए हैं और वो उन्हें मान सम्मान की लड़ाई है कि हमारी 720 बस
चली गई, हमारा कमाई का साधन खत्म हो जाएगा। सरकार से हम इसकी जांच चाहते हैं और ये ओपन किया जाए, ये परमिट किन किन कंपनियों के हैं और किस किस आदमियों के हैं, इसमें सरकार के कौन कौन आदमी हैं, और सभी आज ये प्रलोभन भी दिया जा रहा है हमारे नेताओं को भी, कुछ बसें 120 परमिट हैं वो आप भी ले लो। ये हरियाणा सरकार से चेतावनी है, हमारे इम्प्लाइजों की राजनीति करते हैं, कोई बकाने की जरूरत नहीं है। ये संघर्ष जितना भी लंबा चलेगा, खट्टर सरकार को हम बताना चाहते हैं बार बार, और आगे आने वाले इलेक्शन में इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। साथियों, ये मैं तेजवीर मान, सर्कल सेक्रेटरी HSU वर्कर यूनियन हेड ऑफिस भिवानी। इस बारे में प्रदर्शन कर रखा जी, हरियाणा रोडवेज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में 14 दिन हड़ताल में पहुंच गए। प्रदेश सरकार की तानाशाही, कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने अपने बेड़े को बचाने के लिए आंदोलन किया था। रोडवेज के कर्मचारी को कोई आर्थिक डिमांड नहीं है, उन्होंने अपने बेड़े को बचाने के लिए प्रदेश की सरकार से कहा कि अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो अपना 1 महीने का वेतन और 2 साल का बोनस प्रत्येक कर्मचारी देने को तैयार है, लेकिन रोडवेज के बेड़े में प्राइवेट आदमियों को शामिल नहीं होने देगा। रोडवेज के कर्मचारियों ने 16 और 17 तारीख को हड़ताल की, लेकिन सरकार ने उन साथियों के ऊपर ऐशमा लगाया, लाठी चार्ज किया, कच्चे कर्मचारियों को बर्खास्त किया। इन सब बातों को लेकर के 18 तारीख को हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने अपनी मीटिंग बुलाई और उसमें फैसला लिया कि जिस प्रकार से रोडवेज के कर्मचारियों की हड़ताल को सरकार नेस्तनाबूद करना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है, प्रदेश के अंदर ट्रेड यूनियन को ख़त्म करना चाहती है, प्रदेश के अंदर ट्रेड यूनियन के अस्तित्व को खतरा है, और हमें इस हालात में उन कर्मचारियों का साथ देना चाहिए। 22 तारीख से हरियाणा कर्मचारी महासंघ अपने फैसले के अनुसार रोडवेज की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ उनके समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आए, लेकिन सरकार ने बात करने की बजाय कर्मचारियों के ऊपर दमनकारी नीति चलाई, और कल भी रेवाड़ी और बल्लभगढ़ के अंदर शांत बैठे कर्मचारी अपने धरने पर बैठे हुए थे पार्क के अंदर, उनको जबरदस्ती गिरफ्तार किया। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर प्रदेश की सरकार डंडे के दम पर, गोली के दम पर, दमनकारी नीतियों के दम पर हड़ताल को समाप्त करना चाहती तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकती। प्रदेश का कर्मचारी लामबंद होकर के प्रदेश की सरकार के साथ आर पार की लड़ाई जब तक लड़ेगा जब तक प्रदेश का मुखिया रोडवेज के कर्मचारियों को बुला करके बात नहीं लेता, बात नहीं करता। अपना नाम और पद बताएं। मैं कंवर सिंह यादव, प्रदेश अध्यक्ष HSU वर्कर्स यूनियन।